Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Vidhayak Atul Pradhan dwara ilaj ke naam par anaap shanaap bill banane ka mudda uthaye jane ke baad, dawa companyon ke sanstha, wholesaler and retailer, केमिस्ट एसोसिएशन ने उन चिकित्सकों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है जो अपने निजी काउंटर से दवा बेच रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसा किए जाने से राजस्व हानि के साथ साथ मरीज को भी दवा के लिए वापस उसी चिकित्सक के पास जाना पड़ रहा है जिसके निजी काउंटर से यह दवा बेची गई है। दरअसल ये चिकित्सक जो दवा लिख रहे हैं वह अन्य किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होती है। विधायक अतुल प्रधान और न्यूटिमा हॉस्पिटल विवाद के दौरान आईएमए की पहल पर हुई सहमति बैठक में दवा व्यापारियों ने उन चिकित्सकों को जमकर कटघरे में खड़ा किया था जो दवा कंपनियों द्वारा दिए गए प्रलोभन में फंसकर ऐसी दवा लिख रहे हैं जो केवल उनके ही काउंटर पर मिलती है। आज एसोसिएशन के संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी बात रख दी है, अब प्राइवेट चिकित्सकों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ही कोई फैसला लेना है। आज एक बार फिर दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय लिख दिया। इसमें कहा गया है कि यदि दवा की लागत व विक्रय के बीच के मुनाफे को जनहित में नियंत्रित कर दिया जाए तो आमजन को आधी कीमत पर दवा मिल जाएगी। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने यह कहा। हमारा तो जन आंदोलन है दवाओं की कीमत कम करने के लिए और दवाओं की सुलभ उपलब्धता प्रत्येक स्थान पर सुनिश्चित कराने के लिए जन आंदोलन चल रहा है और उसी के विषय में हमने आज प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से दिया गया है और यही मांग को मुख्य लेकर चल रहे हैं और अभी हम यहीं तक सीमित हैं पर निश्चित तौर से यह आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलेगा। दवाओं की कीमत कम करानी है और उपलब्धता ऐसी होनी है कि जो भी दवा डॉक्टर लिखे वो हर स्थान पर मिले। ये प्रकरण तो हाल फिलहाल के चल रहे होंगे, हमारा आंदोलन तो पुराने चल रहा है और ये कि लंबा चल रहा है तो हर न्याय की बात जब होगी, जो भी आंदोलन हुए हैं बहुत लंबे लंबे चले हैं और आंदोलन कभी भी दो तीन दिन में ही अपना परिणाम नहीं दिया करते। अगर आज़ादी के आंदोलन को लें तो देखिए कितने साल तक चला, तो अंत हमारा सुखद होता है और अंत में हमें मालूम है क्योंकि हमारे तर्क सही हैं, हमारी बातों में दम है, हम सफल होंगे और जनता को सस्ती और सुलभ दवा दिलवा कर रहेंगे। अभी हाल ही में आपकी आईएमए से मीटिंग हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला, वो क्या सकारात्मक? मुझे इस बारे में कुछ कह नहीं सकता है कि क्या उनका इरादा था। आईएमए के डॉक्टरों से हमने कहा था कि जो हमारा आंदोलन है वो आपसे जुड़ा हुआ है और इस काम को यदि आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसी के संबंध में उन्होंने कहा क्या बात है। हमने बिंदुवार उनके सामने जो बातें थी रख दी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है कन्वे करेंगे, अब क्या कन्वे करेंगे अब उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जो बातें रखी गई हैं वो अपने सभी सदस्यों को कन्वे करें और उन बातों को अपने मेंबरों से कहें छोड़ दें जो जनता के शोषण और परेशानी का कारण बने। अभी आईएमएनए ने निःशुल्क परामर्श देने की घोषणा की है 3 दिसंबर से, क्या वो दवाइयों को भी इससे जोड़ सकते थे कि वो? अब देखिए मैं आईएमए को सलाह तो इस मामले में नहीं दूंगा, उनका है अपना, वो जाए जितना करना चाहे बहुत अच्छी बात है। अगर निःशुल्क देख रहे हैं सलाह दे रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ निःशुल्क और भी आगे बढ़ के काम करें, बहुत संस्थाएं काम करती हैं, एक्सरे करें, जांच करें, पैथोलॉजी काम कराएं। पहले आईएमए निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य किया करता था इसी हॉल के अंदर, अब पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर और आगे सुविधा दे सकते हो दवाइयाँ भी तो क्या दिक्कत है, अगर कोई फैसिलिटी दे रहा है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। वहीं अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह का यह कहना है। जो प्रशासन अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम जो आपका ज्ञापन है वो सरकार को भेज देंगे और जिला अधिकारी महोदय से भी इस बात में जो चर्चा मेरे और आपके बीच में हुई है उसको मैं अवगत करा के उस पर कार्रवाई करें। उधर महामंत्री घनश्याम मित्तल ने यह कहा। अभी हाल में हमारी आईएमए के पटल पर मेरठ में यहाँ पे बच्चा पार्क पे हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने करी थी अपनी एसोसिएशन की तरफ से। पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूँ कि आंदोलन अभी से शुरू हुआ है, ये न्यूटिमा और दूसरे लोगों के बीच का आंदोलन जो वो काम कर रहे हैं वो उनका अपना मैटर है। 13 फरवरी को हमने एक आंदोलन किया था, एक मीटिंग करी थी राधा गोविंद मंडप पे। हमने उस दिन संकल्प लिया था कि जो भी दवाई सस्ती हैं और जो उपलब्ध हर जगह होनी चाहिए
उसके लिए हमने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी थी और लगातार इस बात को हमारे संरक्षक महोदय, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे सब लोग संस्था के सदस्य इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि दवा की जो उपलब्धता है वो हर स्टोर पर होनी चाहिए। अभी आपने एक सवाल किया कि उन्होंने निःशुल्क परामर्श शुरू किया है, तो मैं तो इससे आगे बढ़कर के एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने क्लिनिक पे एक फैसिलिटी दे दें कि 2 घंटे वो निःशुल्क देंगे, उसके बाद OPD का चार्ज करना शुरू कर देंगे। और अगर उन्हें एसोसिएशन की किसी बात की भी ज़रूरत है तो एसोसिएशन 2 कदम आगे बढ़ के उनकी तरफ हम आगे उनको सहयोग करेंगे। लेकिन फिर इस बात को हम दोहराना चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम दवाई बेचने का है और उनका काम परामर्श देने का है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में अतिक्रमण ना करें तो दोनों का काम एक दूसरे से चलता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।